नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट डीपी पांडे और आज की इस वीडियो में हम एक टिप्स देने वाले हैं कि कोई पुलिस वाला अगर आपको तंग और परेशान कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। कुछ टिप्स हैं हमारे पास, उसको आप ध्यान रखेंगे, आगे उसका अगर इस्तेमाल करते हैं तो कोई पुलिस वाला आपको टॉर्चर नहीं करेगा। और आपको करना क्या है जब कोई पुलिस वाला आपको परेशान कर रहा है? छोटे रैंक के पुलिस वाले होते हैं, सिपाही हो गए, यानी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, SSI, SI, दरोगा जो भी हैं, इनके अंदर थोड़ा रुआब ज़्यादा आता है अपने वर्दी का। इनको आम आदमी के साथ कैसा व्यवहार करना है इनको पता नहीं होता, जबकि ऊपर के अधिकारियों में ऐसा नहीं होता है। और इनको आम आदमी के साथ कुछ भी, ये कहीं किसी को लाठी मार दिए और बिना गाली दिए बात नहीं किए तो इस तरह का होता है। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि जब आप के साथ कोई पुलिस वाला ऐसा बिहेव करता है तो आपको क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि हर पुलिस वाला एक जैसा नहीं होता है। लेकिन यदि पुलिस वाले ने आपके साथ कुछ ऐसा मिसबिहेव किया है, आपको टॉर्चर कर रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करें करेंगे कि आप मान लीजिए गाड़ी से जा रहे हैं और गाड़ी पे आप दो आदमी हैं, तो दूसरे आदमी को करना ये क्या है कि पहले आदमी से अगर पुलिस बदतमीजी कर रही है तो दूसरे वाले को उसकी वीडियो बना लेनी है। और बनाते समय पुलिस वाले को नॉलेज न हो कि वीडियो बन रही है, अन्यथा वो गाली और जो बदतमीजी कर रहा होगा वो करना बंद कर देगा। लेकिन आप कहेंगे कि मैं अकेले हूँ, तो अकेले में कोशिश करिए कि आप जैसे ही पुलिस वाला के सामने आप होते हैं तो उसके साथ कोई बदतमीजी मत करिए पुलिस वाले के साथ, क्योंकि यदि आप बदतमीजी करते हैं, उसे गाली गलौज करते हैं, तो आपके ऊपर कड़ी धारा लग सकती है और उसके कड़े प्रावधान हैं जिसमें आपको जेल भी जानी पड़ सकती है। तो आप जब अकेले में हैं तो कोशिश करें कि ऑडियो बना लीजिए, ये आपके एविडेंस की काम करेगी। अगर डबल हैं तो वीडियो बनाने की कोशिश करिए, वो भी आपके एविडेंस के काम करेगी। अगर वो भी नहीं है, मान लीजिए कोई CCTV कैमरा अगल बगल लगा हुआ है, आजकल तो हर जगह CCTV कैमरे लग रहे हैं, तो उस वहाँ से भी आप फुटेज निकलवा सकते हैं। फुटेज निकलवा के वो भी आपके एविडेंस के काम आएगा। उसके बाद आप शिकायत करने कहाँ जाएंगे? एक सवाल होता है कि पुलिस वाले की शिकायत कहाँ करें, तो होता भी यही है कि जब आप किसी थाने में या किसी पुलिस अधिकारी के पास जाते हैं तो डिपार्टमेंटल होता है ना थोड़ा सा, तो जल्दी FIR पुलिस के खिलाफ पुलिस वाले दर्ज नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आप ऊपर के अधिकारी के पास कंप्लेंट कर सकते हैं। सबसे पहला काम पूरी घटना के संदर्भ में कि आप कहाँ पे जा रहे थे, कैसे जा रहे थे, कौन था, कितने टाइम पे, कितने तारीख को, आपके साथ किस क्रम में क्या क्या हुआ, उन सारी चीज़ों को, और जो आपके साथ मिसबिहेव उस पुलिस वाले ने किया वो अभी उसमें लिखें, और लिख के SP ऑफिस में ले जाके रख दे दें पूरे एविडेंस के साथ, और उसकी एक कॉपी पुलिस कमिश्नर को भी भेज दें। 15 दिन तक वेट करें, निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। यदि कार्रवाई नहीं होती है, ये सारे पेपर्स लेके जाके आप न्यायालय में कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं। कंप्लेंट में ये सारे एविडेंस लगाएंगे और पूरी बात ईमानदारी से बताएंगे तो निश्चित तौर पे न्यायालय में आपको न्याय मिलेगा। और पुलिस वालों के खिलाफ अगर इस तरह की कार्रवाइयाँ की जाएंगी तो पुलिस वाले ऐसे बिहेव करने से बचेंगे और बच भी रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। यदि कोई जानकारी रह गई हो जो आप तक हम नहीं पहुंचा पाए हैं इस संदर्भ में, तो आप कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, और वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक ये सूचना पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।